कहानी की शुरुआत में हम एक 25 साल की लड़की सारा को अकेले एक डिम रोशनी वाली सड़क पर चलते हुए देखते हैं। अचानक अंधेरे से एक शैडो दिखाई देती है और सारा पर हमला करती है। सारा की जोर से चीख सुनाई देती है और पूरा दृश्य अंधेरे में छा जाता है। अगली सुबह सारा की डेड बॉडी एक रास्ते में मिलती है। हेलो गाइस, तो क्या आप भी यहां पर एनिमेटेड क्राइम हॉरर स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हैं और यहां पर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों यहां पर सभी लोग यहां पर ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको हम बनाएं कैसे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी कैटेगरी पर अगर वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो मार्केट में इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो चलते हैं या नहीं चलते हैं, ठीक है, कितने ज्यादा चलते हैं या कितने कम चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि YouTube को ओपन कर लिया और YouTube पर मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है क्राइम हॉरर स्टोरी एनिमेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 मिलियन व्यूज है इस वीडियो में, यहाँ पर 45 मिलियन व्यूज है, यहाँ पर 32 मिलियन व्यूज है, यहाँ पर 31 मिलियन व्यूज है और यहाँ पर 28 मिलियन व्यूज है, ठीक है, यहाँ पर 26 मिलियन व्यूज है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख के तो हमको समझ में आ चुका है कि इस तरीके के जो वीडियोज होते हैं उनमें जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियोज होते हैं ये सभी लोग देखते हैं, मतलब बच्चे तो देखते ही है, इसके साथ साथ बड़े लोग भी देखते हैं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बच्चे इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं, वो मोस्टली एक बार उन्होंने एक बार वीडियो को प्ले कर दिया है तो वो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं उनमें काफी सस्पेंस होता है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, इसलिए इनका जो वॉच टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरी, इसलिए इनके जो वीडियोज है वो बहुत ज्यादा रैंक करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर अच्छा खासा रैंक करते हैं और इनके जो व्यूज है वो अच्छा खासे आते हैं। जब इनके व्यूज अच्छे खासे आते हैं तो इनकी जो इनकम है वो भी अच्छी खासी आती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो में कितना 45 मिलियन व्यूज है, ठीक है। अब 45 मिलियन व्यूज है तो इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं उनका जो आरपीएम होता है, मतलब कि पर 1000 व्यूज उनको कितना रुपए पे करता है यूट्यूब, तो लगभग होता है $1 से लेकर $2 के बीच में। मैं मान के चलता हूँ कि मिनिमम $1 मान लेते हैं, ठीक है, कि 1000 व्यूज पे इनको $1 मिलता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 100000 मतलब कि 1 मिलियन में हो गया आपका 1000000, ठीक है, तो 1 मिलियन व्यूज में इनको मिलता होगा मिनिमम मान के चलते हैं तो $1000, ठीक है, तो 45 मिलियन में $45,000। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हुआ है $2 INR, अब यहाँ पर 45,000 मैंने यहाँ पर फुट किया तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो इंडियन रुपीस में आ जाता है 37,48,000 रुपए आ जाता है, ठीक है, मतलब कि केवल और केवल एक वीडियो से यहाँ पर 37,38,000 रुपए यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि एक बार आपने वीडियो को क्रिएट कर दिया और उसके बाद उसकी जो इनकम है वो पैसिवली इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि इस तरीके के जो वीडियोस बनाते हैं उनके बारे में आप देख लेते हैं, ठीक है, और उनकी अर्निंग भी देखेंगे, जिससे कि हमको फुल प्रूफ पता होना चाहिए कि इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो कितना चलते हैं, प्लस का इस तरीके की जो यूट्यूब चैनल्स होती हैं उनमें अर्निंग कितनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि एक ये यूट्यूब चैनल दिया हुआ है द क्राइम शो बाई खूनी मंडे, यहाँ पर केवल 24 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं और 290K यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो व्यूज हैं दो हफ्ते पहले आया 143K है और यहाँ पर 3 वीक आया तो 222K है और यहाँ पर 839K यहाँ पर व्यूज है, तो व्यूज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से देख सकते हैं कि दिया हुआ है खूनी मंडे, यहाँ पर 338 वीडियोज अपलोड किए गए हैं और 4.48 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर व्यूज की बात करें तो देख सकते हैं कि 5 दिन पहले ही अपलोड किया हुआ और 629K इनके यहाँ पर व्यूज आए हुए हैं, 721K, और यहाँ पर इनके पॉपुलर वीडियोज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 मिलियन यहाँ पर इनके व्यूज हैं, यहाँ पर 10 मिलियन व्यूज हैं, यहाँ पर 9.9 मिलियन व्यूज हैं, 9.7 मिलियन व्यूज हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये दिया हुआ स्कैरी पंपकिन, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके भी जो सब्सक्राइबर हैं 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिन पहले एक वीडियो आया हुआ है और 647K इनके व्यूज आए हुए हैं, 688K व्यूज आए हुए हैं। पॉपुलर की बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 मिलियन व्यूज हैं, 12 मिलियन व्यूज हैं, 12 मिलियन व्यूज हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा व्यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट चैनल आपकी है क्राइम की कहानी, और देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छे खासे व्यूज हैं आपके, और देख सकते हैं कि कहानी क्राइम की ये दूसरी चैनल है और यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। पॉपुलर में बात करें तो देख सकते हैं कि 12 मिलियन मतलब कि यहाँ पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब दोस्तों इनकी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, और एक ये चैनल दिया हुआ है स्कल टेल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी इनके भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.2 मिलियन व्यूज है, 1.3 मिलियन व्यूज है। अब दोस्तों इनकी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहली आपकी है इसकी होती है मंथली इनकम होती है $6,000, ठीक है, तो यहाँ पर 373 और $6,000 के बीच
में है तो हम मान लेते हैं कि $3,000 तो लगभग इनकी अर्निंग होती होगी पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि इनका तो $64.8K, मतलब कि मिनिमम इनका होता होगा $30K, मतलब $30,000। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका यहाँ पर 45,000 है, $30,000 यहाँ पर देख सकते हैं, तो इतना हो गया 24,98,000, तो लगभग 25 लाख की लगभग इनकी इनकम होती होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इनका दिया हुआ 70.7K, तो इसका होता होगा पर मंथ लगभग 50,000, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इनका हो गया है 41,64,000 रुपए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी अच्छी अर्निंग यहाँ पर आती है, ठीक है। इस तरीके के जो चैनल उनमें अर्निंग है वो काफी अच्छी है, एज पर सोशल मीडिया हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो व्यूज हैं, इस तरीके की जो वीडियोस हैं उनमें व्यूज अच्छे खासे आते हैं, और इस तरीके की जो चैनल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं, उनकी जो इनकम है वो अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर कर रहे हैं, कई लाखों में पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो आप कैसे बना सकते हैं, स्टोरी कहाँ से लेनी है, स्टोरी के लिए कॉन्स्टेंट करेक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर उसको किस तरीके से एडिट करनी है, यहाँ पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ आपका अपना स्मार्ट मंथ फॉर यू, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस तरीके की जो स्क्रिप्ट है वो आप कैसे ले सकते हैं, मतलब कि आपको कहानी कहाँ पर मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि गूगल पर आना है, और गूगल पर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं क्राइम स्टोरीज इन हिंदी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्राइम स्टोरीज की यहाँ पर ब्लॉग मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 या 3 ब्लॉग को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉग को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप इन ब्लॉग से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स पति से बदला लेने के लिए 4 साल के बेटे के कत्ल की सनसनीखेज दास्ता। अब दोस्तों कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी यहां पर दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर भी आ सकते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको जो स्टोरीज है उनकी कमी नहीं होने वाली है, यहां पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगा। अब दोस्तों हमको यहां पर जो स्टोरीज है उनको ज्यों त्यों यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है कि यहां पर ये जैसे स्टोरी दी हुई है तो हम क्या करेंगे कि इस स्टोरी को हम लोग पूरा का पूरा यहां से कॉपी करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर पूरा कॉपी कर लिया, अब हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी से हम लोग क्या करेंगे इसको रीराइट कराएंगे, जिससे कि अब ये हमारी ओरिजिनल स्पीच बन जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया है काइंडली रीराइट द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इन हिंदी, ठीक है। जो स्क्रिप्ट दिया हुआ उसको आप यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा, तो मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को यहां पर पेस्ट कर दिया है और यहां पर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अब इस स्टोरी को पढ़ गए, आपकी यहां पर एक दूसरी स्टोरी लिखना चालू कर देगा जो कि इसी के जैसी होगी, और यहां पर सारे किरदार आपके चेंज होंगे। तो ये जो स्टोरी आपकी बनेगी ये स्टोरी आपकी खुद की स्टोरी होगी, यूनिक स्टोरी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका हो गया आपको अपनी स्टोरी लिखने का, ठीक है। तो आपको स्टोरी यहां से आप ले सकते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे यहां पर ब्लॉग मिल जाएंगे, तो ब्लॉग से आपको कोई भी स्टोरी लेनी है और कोई भी स्टोरी लेके उसको चैट जीपीटी से रीराइट करा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर पूरी की पूरी स्टोरी लिख दी है, तो यहां पर आप कॉपी पर कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप यहां पर नोटपैड पर या वर्ड पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा और यहां पर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप इस स्टोरी को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि राइट दिस स्टोरी इन 1000 कैरेक्टर्स इन 2000 कैरेक्टर्स, जितने में चाहिए तो वो लिख देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर दूसरा तरीका आता है कि आप यहां से चैट जीपीटी से भी आप यहां पर हॉरर स्टोरी लिखवा सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैंने इसको बताया हुआ है कि आई वुड लाइक टू क्रिएट ए वीडियो ऑन 3D एनिमेशन क्राइम स्टोरी व्हिच इन्वॉल्व्स ए मर्डर ऑफ यंग 25 इयर्स ओल्ड फीमेल। तो यहां पर एक मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि मुझे इस तरीके की एक स्टोरी लिख को दो, ठीक है, और इसको मैं सेंड कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट का आपको यहां पर देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर इसने यहां पर पूरा का पूरा स्टोरी लिख देगा, प्लस का यहां पर मैंने इसको बोला हुआ है कि मुझे यहां पर जो वीडियो बनाना है वो इमेज से बनाना है, इसलिए यहां पर मुझे इमेज के लिए प्रॉम्प्ट भी दे दो। तो यहां पर देख सकते हैं कि प्रत्येक सीन के लिए आपको यहां पर प्रॉम्प्ट भी मिल जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि सीन 2 हो गया तो यहां पर आपका स्टोरी हो गया, प्लस का यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको इमेज प्रॉम्प्ट मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद आपको यहां पर पेस्ट कर लेना है। तो यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं।
तो दोस्तों इस तरीके की जो आपकी स्टोरी है या फिर आपका स्क्रिप्ट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको जो स्टोरी है, देख सकते हैं कि ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जो स्टोरी लिखी हुई है, इस अकॉर्डिंग हमको इमेज जनरेट करना है। तो इमेज जनरेट करने के लिए हम लोग दूसरा AI टूल यूज करेंगे, उसका नाम है Leonardo.ai। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप आ सकते हैं और यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक कर दीजिएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना होगा और नाम फिल करना होगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैं लॉग इन हो चुका हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेली का 150 क्रेडिट मिल जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इमेजेस सेलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज सेलेक्ट करेंगे कि आपको इस प्रॉम्प्ट के लिए कितना इमेज चाहिए। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूट्यूब वीडियो के लिए इमेज चाहिए, इसलिए हम लोगों को 16:9 का हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि आपका कोई भी और रेशियो सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो हम लोग 16:9 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मॉडल, तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है और मॉडल सेलेक्ट करना है Leonardo Diffusion XL, ये वाला हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो Leonardo Diffusion XL आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप ए प्रॉम्प्ट, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्टोरी है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमको किस तरीके से यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आपको जो स्क्रिप्ट लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपका जो प्रॉम्प्ट रहेगा, देख सकते हैं कि इसने ये वाला दिया हुआ है, सो इमली ए 24 ईयर्स ओल्ड वुमेन, इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जनरेट करना है कॉन्स्टेंट करेक्टर। तो कॉन्स्टेंट करेक्टर के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इमली है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इमली को यहाँ पर सबसे नीचे आके यहाँ पर इसका जो करेक्टर है वो लिख लेना है कि इमली क्या है, ए 24 ईयर ओल्ड वुमेन विथ ब्लॉन्डी हेयर विथ वियर रेड जैकेट। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि हमको पता चलता रहे, क्योंकि हम लोग हर प्रॉम्प्ट में अगर इमली की चर्चा करेंगे तो हम लोग ये साथ में लिखेंगे, जिससे कि वो एक साथ यहाँ पर सेम बना के देगा। इस तरीके से यहाँ पर स्टोरी में क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल क्या है, ए 35 ईयर ओल्ड मैन वियरिंग स्काई मास्क, और डिटेक्टिव रियान है, तो यहाँ पर ही इज ए 30 ईयर मैन बेल्ड विथ मुस्टैच, और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस स्टोरी को पढ़ के जो इनके कैरेक्टर है, कैरेक्टर को अलग से यहाँ पर लिख लेना है, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग हर बार इमली की चर्चा करेंगे तो इमली की ब्रैकेट में ये लिखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो कॉन्स्टेंट करेक्टर बना के देगा। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है, 10 या 11 सेकंड लगेगा और आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है बेहतरीन इमेज बना के दे दिया है। और आपको यहाँ पर जनरेट करने से पहले प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट के पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4:3 हो चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है कि प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट के बाद आपको यहाँ पर आके 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 16:9 बना के दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पर बना दो इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया और जनरेट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों अभी यहाँ पर इसने देख सकते हैं कि बेहतरीन इमेज बना के दिया हुआ है, ये इमेज अच्छा बना के दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया हुआ था कि ए 25 ईयर ओल्ड मैन विथ ब्लॉन्डी हेयर, ठीक है, प्लस का वियर रेड जैकेट, तो इसने यहाँ पर सेम बना के दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोगों को हर बार इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम फिल करना है, जिससे कि वो इस तरीके का इमेज बना के देगा हर बार। अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसने यहाँ पर हम लोगों ने 16:9 लिया, तो 16:9 में बना के दे दिया है। अब इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट इमेज हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट सीन के लिए जो इमेज है ये दिया हुआ है Scene 2, तो ये दिया हुआ है सो द शैडोई फिगर, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है अब बिहाइंड इमली, तो यहाँ पर इमली की चर्चा की गई है, तो इमली के बारे में हम लोगों को बताना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इमली के जस्ट बगल में हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि उसको पता चल जाए कि इमली का रंग रूप क्या है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके का, हम लोग यहाँ पर इसको जनरेट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इमेज बना के दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि यहाँ पर इमली खड़ी हो और इमली के पीछे एक यहाँ पर क्रिमिनल हो, क्रिमिनल यहाँ पर इस तरीके का जो मास्क है वो पहने हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इसके साथ आपको प्ले करना है, थोड़ा एडिट करना और लिखना है अच्छे से, ताकि यहाँ पर जो आपको चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, जैसे कि ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जितना भी इमेज का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है एक एक करके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके जो इमेज है वो सारा का सारा मैं जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारी की सारी इमेज है वो जनरेट कर ली है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टोरी की जितनी भी इमेज थी वो जनरेट कर ली है। ठीक है, और देख सकते हैं कि हम लोग इस तरीके के जो इमेज है वो चाहते थे कि सारा आगे खड़ी हो और पीछे
यहाँ पर क्रिमिनल हो, तो ये इमेज बन के आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी इमेज चाहिए हुई थी तो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं कि सारी की सारी इमेज यहाँ पर मैंने जनरेट कर लिया है। दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको भी यहाँ पर जनरेट कर लेना है। ठीक है, आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पर शुरुआत में लिखना है कॉमिक बुक इलस्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर इतना आपको यहाँ पर जैको त्यों रखना है, यहाँ पर जो आपका स्क्रिप्ट है इतने में पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये भी यहाँ पर सेम रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जनरेट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर डेली आप जनरेट कर सकते हैं 150 यहाँ पर आपको डेली क्रेडिट मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर इमेज से भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इमेज में भी हम लोग एनिमेशन लगा देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को भी वीडियो में कन्वर्ट करना तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है runway.ml से कि आप किस तरीके से इमेज से वीडियो जनरेट कर पाएंगे और जेनेमो से किस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट से वीडियो जनरेट कर पाएंगे या इमेज से वीडियो जनरेट कर पाएंगे। तो ये आपके पास इमेज आ चुकी है, तो इससे आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास वीडियो भी होगा, इमेज भी होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि वॉइस ओवर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके पास जो स्टोरी दी हुई है इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में ही तो इंग्लिश में रहने दीजिएगा, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है इतना आप कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यह हिंदी में यहाँ पर लिख किया जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखते जाना है एक जगह। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि पूरी की पूरी स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी स्टोरी है, कहानी की शुरुआत में हम एक 25 साल की लड़की सारा को एक अकेले एक डिम रोशनी वाली सड़क पर चलते हुए देखते हैं। अचानक अंधेरे से एक शैडो दिखाई देती है और सारा पर हमला करती है। सारा की जोर से चीख सुनाई देती है और पूरा दृश्य अंधेरे में छा जाता है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्टोरी है इसको वॉइस ओवर देना है। तो यहाँ पर वॉइस ओवर देने के लिए दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको खुद का वॉइस ओवर करना है। ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर करने के लिए आपको खुद का माइक चाहिए या फिर बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। आप अपने मोबाइल से भी इसको यहाँ पर सिंपल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ AI की मदद से कर लें, कुछ भी खुद करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 लैब्स मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर यूज करने हैं जो कि रियलिस्टिक आवाज निकालते हों। ऐसा ना लगे कि ये रोबोटिक आवाज है, क्योंकि अगर आपका ऐसा रोबोटिक आवाज वाले आप बनाएंगे तो वो काफी अच्छे भी नहीं लगेंगे, उसमें वॉच टाइम भी नहीं आएगा और आपका वीडियो भी नहीं चलेगा और यहाँ पर यूट्यूब मोनेटाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर AI वॉइस को यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक रियलिस्टिक आवाज निकले और यहाँ पर 11 लैब्स इज द बेस्ट फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिनकी आवाज एकदम रियलिस्टिक आवाज है। ऐसा समझ में आता ही नहीं है कि ये किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है या AI ने कन्वर्ट किया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर नीचे जनरेट स्पीच पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपकी स्पीच जनरेट हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है किस तरीके से करना है और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि अब हमारे पास स्क्रिप्ट थी उससे हम लोगों ने यहाँ पर इमेज बना लिया है और यहाँ पर अब हमने वॉइस ओवर है। अब हमको क्या करना है कि वीडियो को एडिट करना है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फोल्डर में मैंने एक हॉरर स्टोरीज करके एक फोल्डर बनाया, उसमें सारी की सारी जो इमेज मुझे चाहिए हुई थी वो मैंने यहाँ पर सेव कर ली है और यहाँ पर जो कन्वर्ट कर लिया है मैंने 11 लैब से ऑडियो भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर वीडियो एडिटिंग टूल में। तो आप कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फिल्मोरा, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे सारी की सारी इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आवाज दी हुई है कंट्रोल A पर क्लिक करके मैं यहाँ पर सारा का सारा इम्पोर्ट कर लेता हूँ एक क्लिक में। देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। पहले हम लोग यहाँ पर वॉइस कर लेंगे। अब वॉइस के बाद इसको हम लोग सुनते जाएंगे। सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इमेज चाहिए होगी और यहाँ पर इमेज हम लोग इस तरीके से लगाते जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आवाज को सुनना है और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो बहुत स्पीड में आपका यहाँ पर जो वीडियो है वो बन जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑडियो को सुनकर यहाँ पर
पर सारी की सारी इमेज यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये हॉरर टाइप का है तो आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हॉरर टाइप का लगाना है, ताकि यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगने लगे। और दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक इमेज में, अब जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ और इसकी जो आवाज है उसको म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो ये इमेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको क्या चाहिए कि ये इमेज भी मोशन करे, मतलब कि इसमें भी इफेक्ट डाल देंगे। तो हम लोग इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन पर या इफेक्ट पर हम लोग जाएंगे। तो इफेक्ट में आपको ये बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन पर, यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशन है यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। सो गाइस जैसे कि ये ट्रांजिशन दिया हुआ है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से आपको हर क्लिप में यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन है उसको ऐड कर देना है, तो ये काफी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं, तो इसको आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सभी क्लिप्स में ऐड कर लेता हूँ और पूरा वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पूरे वीडियो को यहाँ पर एडिट कर लिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने जो इफेक्ट है या ट्रांजिशन है उसको भी लगा दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर लगा दिया। अब ये हमारा जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बन चुका है और काफी अच्छा लगने लगा है, ठीक है। आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जो वीडियो है उसको बना सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो है। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं, यहाँ पर आपका लोकेशन है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं सेटिंग पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर बेस्ट सेलेक्ट कर लूंगा, जो फ्रेम रेट है FPS मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 30 FPS सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की जो आपका वीडियो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, और उसको YouTube पर अपलोड करके यहाँ पर महीने का लाखों रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको YouTube पर, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो अपलोड किया और आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना है, आपको यहाँ पर लगभग 20 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देने हैं, और प्रत्येक वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए, जिससे कि जितना बड़ा वीडियो होगा तो उसमें जो वॉच टाइम है उतना ज्यादा आएगा, और वॉच टाइम ज्यादा आएगा तो आपका YouTube आपके वीडियो को रिकमेंड करना चालू कर देगा। सो दोस्तों आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि अपना YouTube चैनल क्रिएट करना है और उसमें यहाँ पर इस तरीके के जो वीडियो है उनको क्रिएट करना है, मिनिमम ड्यूरेशन आपका 8 मिनट होना चाहिए, और उसको एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर अपलोड करना है। अगर आप चाहते हैं कि 2 दिन में एक वीडियो आए तो आपको एक फिक्स टाइम पर अपलोड करना है, आप चाहते हैं 3 दिन में एक वीडियो आए तो आपको फिक्स टाइम इंटरवल पर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो YouTube आपके वीडियो को रिकमेंड करना चालू कर देगा और यहाँ पर आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा शुरुआत में, और यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड करते रहना है, और यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि आप जब 20-25 वीडियो अपलोड कर देंगे तो उसमें से एक या दो वीडियो ऐसे होंगे जो का आपके रैंक कर जाएंगे और यहाँ पर अच्छा खासा व्यूज दे जाएंगे, यानी कि आपके 3-4 लाख व्यूज आ जाएंगे, और एक वीडियो में व्यूज आएगा तो फिर वो धीरे धीरे सारे के सारे वीडियोज में आपके व्यूज आना चालू हो जाएगा, और आपका यहाँ पर जो अर्निंग है वो भी चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1-2 वीडियो ही आपका अगर चल जाते हैं, 1-2 लाख व्यूज दे जाते हैं, तो आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट आपका फेसलेस यूट्यूब नीश है, इस पर आप अपने वीडियो बना सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम एक 25 साल की लड़की सारा को अकेले एक डिम रोशनी वाली सड़क पर चलते हुए देखते हैं। अचानक अंधेरे से एक शैडो दिखाई देती है और सारा पर हमला करती है। सारा की जोर से चीख सुनाई देती है और पूरा दृश्य अंधेरे में छा जाता है। अगली सुबह सारा की डेड बॉडी एक रास्ते में मिलती है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और अपनी जांच शुरू करती है। डिटेक्टिव रॉक और उनकी टीम क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसमें फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल्स है। वे गवाहों से पूछताछ करते हैं और CCTV फुटेज को चेक करते हैं। जांच बढ़ती है और डिटेक्टिव रॉक को यह महसूस होता है कि वह एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को टारगेट करता है। वह अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि वह दोबारा हमला न कर सके। अब किलर अपने नए टारगेट के लिए एक वेयरहाउस में जाता है। डिटेक्टिव रॉक समय पर पहुंचकर विक्टिम को बचा लेता है और किलर को गिरफ्तार कर लेता है। डिटेक्टिव किलर को जेल में बंद कर देते हैं और वह शपथ लेते हैं कि वह उन मासूम लोगों को न्याय दिलाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी।